लड़ना नहीं सहना सीखो। दो भाई एक साथ रहते थे। एक सुबह छोटा भाई बाजार गया और कागज के थैले में चीनी भरकर घर लौटा। कमरे में आने तक थोड़ी चीनी बिखर गई। यह देख बड़ा भाई बिगड़कर बोला, जरा संभल कर काम किया करो, भला कागज की थैली में चीनी लाई जाती है? घर से पहले कपड़े का थैला क्यों नहीं ले गए? पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। छोटा भाई भी तैश में बोल पड़ा, इतना क्यों चिल्लाते हो? क्या हो गया यदि जरा सी चीनी बिखर गई? ऐसा कितना नुकसान हो गया जो आसमान टूट पड़ा? दुनिया में तुम अकेले कमाई करने वाले नहीं हो। आज तुम कमा रहे हो, कल मैं भी कमाऊंगा। इस प्रकार बात बढ़ती गई और दोनों बिना खाए पिए घर से चल दिए। जरा सोचो, यह झगड़ा क्यों हुआ? कारण स्पष्ट है। बड़े भाई के मन में यह तस्वीर है कि छोटा भाई मजे करता है, जबकि मुझे कमाई हेतु दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। छोटा तो आराम से जी रहा है, इसलिए चीनी का बहाना मिलते ही लड़ाई प्रारंभ हो गई। छोटे भाई के मन में यह तस्वीर है कि वह दिन भर घर के छोटे बड़े काम करता है और बड़े भाई के मिजाज का तो ठिकाना ही नहीं, न ढंग से पढ़ने देते, न दोस्तों से मिलने देते हैं। इसलिए छोटा सा कारण मिलते ही खटपट शुरू हो गई। कमोबेश हर व्यक्ति यही सोचता है, मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल सही है, जब मेरी कोई गलती नहीं तो मैं सहन क्यों करूं? इसलिए आज कोई भी एक दूसरे को कहने सुनने की स्थिति में नहीं है। हमारी चुप्पी कहीं हमें दूसरों की नज़र में गलत न साबित कर दे। सहन करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, लोग हमें दब्बू कहेंगे, समाज में हमारी इज्जत कम हो जाएगी। इस तरह की सभी मान्यताएं मिथ्या है। स्मरण रहे, जिसके पास सहिष्णुता का चंदन है उसे कभी दुख का दामानल नहीं जला सकता। इतिहास का स्वर है, जिसने सहा वह रहा, जिसने नहीं सहा वह मझधार में ही बहा। जरा सोचो, जिन्हें सुगंध की एलर्जी होती है वे बगीचे को छोड़कर घर का रास्ता पकड़ते हैं। ध्यान दे, सहना कमजोरी का लक्षण नहीं। जैसे शिल्पी आकार देने के लिए पत्थर तोड़ता है, प्रहार करने के लिए नहीं, ऐसे ही प्रतिकूलता आती है मजबूत बनाने के लिए, मजबूर बनाने के लिए नहीं। नई पीढ़ी का आज स्वर है, मैं सहन क्यों करूं? किंतु उन्हें नहीं मालूम सहनशीलता आर्द्रता की जननी है, वरना परस्पर कलह, मनमुटाव एवं वैर के अनुबंध से जीवन नरक के समान भयावह बन जाएगा। सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए KFP का फॉर्मूला अपनाएं। KFP कहता है, क्या फर्क पड़ेगा? जब कोई बात न माने, आपके मुताबिक न चले, आपको तवज्जो ना दे, तो क्या फर्क पड़ता है? छोटी छोटी बातों को तुल ना दो तो क्या फर्क पड़ता है? नो प्रॉब्लम की मानसिकता रखोगे तो हर स्थिति का वेलकम हो सकता है। इससे विपरीत जो BFP का फॉर्मूला प्रयोग में लाते हैं, अर्थात बहुत फर्क पड़ेगा, ऐसी सोच रखते हैं, उनका अहंकार जीवन को लड़ाई का अखाड़ा बना देता है। ध्यान रहे, हर कोई आपकी बात समझ ही ले ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए दूसरों को समझाने से पहले खुद को समझना होगा। स्पष्ट है, सबके अपने गणित है। प्रत्येक इंसान वैचारिक आग्रह से बंधा हुआ है, किंतु वह भूल जाता है दूसरों के साथ जीने हेतु वैचारिक सहिष्णुता आवश्यक है। अतः ध्यान रखे, सहना औरों के लिए नहीं अपितु अपने लिए लाभदायी है। स्वच्छंदी मनोवृत्ति ने कभी सहिष्णुता का अनुसरण नहीं किया। जिसे झमेला खड़ा करना हो वह किसी भी बात को मीडिया बना सकता है। कहा भी है, खेलते खेलते लड़ लेना और हंसते हंसते रो लेना मनुष्य की फितरत है। साथ में जीने हेतु हमें एक दूसरे के विचारों को सहना होगा।
प्रतिदिन दोहराएं। मेरी हरकत सहे सहज वह, मैं भी उसकी क्यों न सहूं। साथी का साथ निभाना है तो सहिष्णुता के साथ रहूं। सहना शब्द से जीवन को कंप्लीट बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल प्रयोग अवश्य करें। नापसंद को पसंद करने हेतु अपने चारों ओर चमकते गहरे नीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं ऐसा अनुभव करें और अपना मानसिक संतुलन बढ़ाएं।